जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक नया और फ्रेश वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा महाराष्ट्र मुंबई उल्लासनगर, महाराष्ट्र मुंबई उल्लासनगर में जो जींस का मैन्युफैक्चर होता है उसका कारीगरी का सिस्टम क्या है, पगार पे है या कमीशन पे है। तो 2004 साल से लेकर आज तक का जो कारीगरी का सिस्टम है पगार पे है, इस वीडियो को माध्यम से पूरा डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज। दोस्तों मैं जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। आपको जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल के सेटिंग कर लीजिए, ताकि मैं जैसा ही वीडियो अपलोड कर रहा सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे। क्योंकि मेरा वीडियो डालने का कोई पर्टिकुलर या कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब भी मेरे को मूड होता है तभी मैं वीडियो बना देता है। कोई भी टॉपिक मेरा दिमाग में आ जाता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता है जींस पैंट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। है गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज। तो चलिए ज्यादा देर न करें, इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बाबू भाई मेरे को सब्सक्राइब करना है बाबू भाई। वो यूट्यूब चैनल एफएम फैशन जींस के बारे में जो बोलता है। अच्छा 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 अच्छा, मैं कर दिया है। सो गाइस, फर्स्ट वीडियो शुरू करने से पहला मैं थोड़ा अपने बारे में बोल देता हूँ। दोस्तों मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, और मैं कोलकाता से मतलब 60 किलोमीटर बहुत दूर में एक गांव, छोटा सा एक गांव में मैं रहता था। उधर गांव में एक टेलर का दुकान है, टेलर का दुकान में 2 साल में काम किया, काम सीखा, शर्ट पैंट सलवार कमीज ब्लाउज पेटीकोट सब कुछ मेरे को सिलाई करने को आता है, कुर्ता पैजामा सब आता है। उसका बाद 2000 साल में हमारा गांव बाढ़ में डूब गया था, तो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब हो गया। तो 2004 साल में मैं उल्लासनगर आया, और उल्लासनगर में उससे पहला मेरा चाचा जो है वो ऑलरेडी कटिंग मास्टर था और कटिंग कर रहा था। तो मैं इधर आया, उस टाइम ऐसा था किधर कोई भी कारखाना में काम करना है ना तो आपको खुद का मशीन खुद का कैची लेके खुद से खरीद के उस कारखाना में जाना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मैं वीडियो में बताऊंगा अभी कैसा काम होता है। तो जैसा कि कैची में धार लगाने का, तो खुद का जेब से एक सुई टूट गया, मशीन का एक निडिल जो निडिल होता है वो अगर टूट गया तो वो भी कारीगर से खुद का पैसे से खरीदना पड़ता है। कोई कोई कारखाना ऐसा था उसमें एक पीस बनाने में जो थ्रेड लगता है, जो धागा लगता है, वो भी खुद से मतलब खुद का पैसे से धागा खरीद के पीस को बनाना पड़ता था। दूसरा बात जो पीस बनता था वो पीस पूरा जो है यानी कि पूरा फाइनल करना पड़ता था कारीगर को, यानी कि कारीगर को इंटरलुक करके देता था कोई एक हेल्पर। तो पूरा इंटरलुक करके उसका बैक फ्रंट पॉकेट वगैरह फिलाई चेन फिलाई सब कुछ बना के, उसका बाद उसका बेल्ट चढ़ा के उसका लुप्पी लगा के पूरा फाइनल करके, यानी एक पीस आपको काट के आपका हाथ में समझो 20 पीस दिया, उसको हेल्पर से वाला करवा के पूरा पीस फाइनल करके समझो 20 पीस दिया, 20 पीस फाइनल करके आपको गिन के देना पड़ता था सामने वालों को। तो आपको हर एक पीस का 11 से लेके 12 रुपया आपको बनाने को मिलता था कारीगरी रेट। ठीक है, आज का डेट में ऐसा नहीं है, वो तो चालू का काम हो गया है। और जो गिनी चुनी 2-4 जो मतलब उल्लासनगर 5 नंबर में ऐसा गिनती किया हुआ 2-4 कारखाना ऐसा था जिधर साइड मुंडा का फुल फैंसी माल बनता था, लेकिन उधर आप कारीगरी कोई भी कारीगर उधर समझो काम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। यानी कि पहला आओ, कोई मशीन खाली है या नहीं अपॉइंटमेंट लो, फिर सैंपल बनाओ, उसका बाद बहुत कोशिश करने का बाद जाके वो लोग का पास काम मिलता था। तो ऐसा कारखाना बहुत ज्यादा नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उल्लासनगर में जींस का जो काम है वो बढ़ते गया और कारखाना भी बढ़ते गया। और एक बात है, जो धनी लोग है जो मतलब उल्लासनगर मार्केट में जो ब्रांड है
जो मतलब धनी है, जो अपना माल अपना जींस पैंट को दूसरे से बनवाता है। तो ऐसा बहुत सारे धनी लोग के पास कारखाना था खुद का, और वो लोग थोड़ा हाई रेट चलाता था। तो वो लोग हाई रेट चलाता था और धीरे धीरे वो लोग अपना काम बड़ा होगा तो कारखाना बंद कर दिया। आज का डेट में उल्हासनगर में जितना धनी है, जितना ब्रांड है, उन समझो 100 में से 95%, 95% लोगों के पास कारखाना नहीं है, 5% लोगों के पास कारखाना है। बाकी सब मेरे जैसा लोग कारखाना खोल के बैठा है। किसी के पास 40 मशीन है, किसी के पास 50 मशीन है, किसी के पास 20 मशीन है, 10 मशीन है, 5 मशीन है, ऐसा कारखाना खोल के बैठा है। और सामने उल्हासनगर 5 नंबर मार्केट से जो ब्रांड है, ब्रांड से ऑर्डर लेके आता है। ब्रांड क्या भेजता है? खाली कपड़ा भेजता है। तो हमारा मेकर का क्या रहता है, चिंदी पॉकेटिंग, यानी जो इनर रहता है, सामने का जो पॉकेट है, पॉकेट का अंदर का कपड़ा, चेन और धागा, लाइट बिल, कारखाना, मशीन और कारीगर अपना मेकर का रहता है। मतलब जो लोग कारखाना खोल के बैठा है, सामने वाला जो धनी है वो खाली फैब्रिक भेजता है और ऑर्डर देता है, हमको ऐसा ऐसा माल चाहिए, ये ऐसा ऐसा साइज चाहिए, ऐसा ऐसा प्रिंट चाहिए, ऐसा ऐसा एम्ब्रॉयडरी चाहिए, ऐसा ऐसा डिजाइन चाहिए। तो वो हिसाब से हम लोग कटिंग करता है और कटिंग करके इस माल को पूरा फाइनल करके हम लोग सामने वाला ब्रांड को दे देता है, यानी कि कच्चा माल। फिर सामने वाला ब्रांड वॉश करवाता है, कलर करवाता है, प्रेस पैकिंग करवाता है, उसका बाद वो सेल करता है। लेकिन पहला कैसा था, पहला सामने वाला जो पार्टी है वो आपको माल देता था, फैब्रिक भेजता था, और मेकर लोग को क्या है, उस माल को पूरा रेडी करके वॉश का खर्चा देता था सामने वाला पार्टी, और पूरा माल धागा काट के पैकिंग पन्नी का अंदर डाल के प्रेस पैकिंग करके पूरा टोटल फाइनल करके फिर धनी को देना पड़ता था। ये पहला जमाना, आज से 10-15, आज से 15 नहीं है, आप समझो 2004-5 साल में ये सिस्टम था, ठीक है। और आज का डेट में सिस्टम क्या है, ज्यादातर जो कारखाना है वो मतलब वो खुल गया है, साइट मुंडा का कारखाना खुल गया है। तो अभी धनी लोग फैब्रिक भेजता है, ऑर्डर देता है, हम लोग बना के फिर धनी को ऊपर जमा कर देता है। धनी एक वॉश वाला को भेज के, यानी एक डाइंग वाला को भेज के वो अलग अलग जगह से डाइंग प्रेस पैकिंग करवा के वो माल मंगा लेता है। तो आज हम लोग जो मेकर है, मेकर लोग को अभी क्या क्या करना पड़ता है, मशीन अपना रहता है, कारीगर आता है चप्पल पहन के, कारीगर आता है चप्पल पहन के काम करता है कमीशन पे, एक पीस बैग और फोन, यानी कि दो पॉकेट, आगे का दो राउंड पॉकेट, छोटा वॉच पॉकेट, बैक पॉकेट और चेन फ्लाई, इतना बना के कारीगर हमसे 11 रुपया पेमेंट लेता है। उसका बाद होता है मुंडा, मुंडा वाला 4 रुपया पेमेंट लेता है, किधर किधर 3 रुपया भी पेमेंट लेता है, 3 रुपया 4 रुपया ऐसा ही मार्केट चलता है, जिसका पास जैसा चलता है। उसका बाद फाइव थ्रेड और बेल होता है, फाइव थ्रेड और बेल का 2 रुपया रेट चलता है, वो हमको पे करना पड़ता है कारीगर को। उसका बाद ये माल, फिर काज बाल्टक होता है, पैकिंग होता है, मुंह पैकिंग होता है, उसको 3.5-4 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। फिर काज बाल्टक होता है, काज बाल्टक को भी 3-4 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। उसका बाद उसको लाड बनाना पड़ता है, साइज अलग अलग करके लाड बना के उसका बाद जाके सामने वाला ब्रांड को बताना पड़ता है, आपका इतना पीस है, इतना इतना लाड बना के अपने पास पड़ा है माल, और ये इसका रेट है। एक पीस पूरा अच्छे से मेकिंग मेकिंग करके क्या किया, किधर क्या खर्चा किया, सब लिख के फिर सामने वाला धनी के पास आपको हिसाब किताब करके आना पड़ता है। फिर वही सैंपल वाशाला को देता है, वाशाला लेके आता है, आने के बाद वो लेके फिर वाशाला पूरा माल लेके जाता है, एक चालान बनता है, भाई इतना पीस मेरे फलाना वाशाला का पास डिलीवरी किया है। तो ऐसा सिस्टम से आज का डेट में काम चलता है। तो पहला जमाना में कारीगर पूरा एक जींस पैंट खुद से फाइनल करता था, ज्यादातर उल्हासनगर में यही कारखाना था, और गिने चुने 2-4 कारखाना जो था वो फुल फैंसी कारखाना था, जिधर काम मिलना मुश्किल था। सो गाइस, आई होप आप ये समझ गया होगा उल्हासनगर में आज का डेट में कौन सा हिसाब से काम चलता है। और बहुत सारे बोले तो 2-4 ऐसा 100 में से समझो 10 धनी का पास कारखाना है, लेकिन वो बहुत हाई फाई रेट देता है और कुछ दिन चलाता है फिर बंद कर देता है। उसके लिए हम लोग को भी थोड़ा रेट बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो कारीगर फिर इधर उधर हो जाता है। वो लोग कुछ दिन चला के बंद कर देता है, फिर वो रेट बढ़ा के छोड़ देता है, लेकिन हम लोग जब मेकिंग करने जाता है तो रेट नहीं मिलता है। पहला हम लोग का जो मेकिंग था उससे अभी फिर 1-2 रुपया सब जो ब्रांड है वो घटा दिया, कम कर दिया है। तो मार्जिन जो है बहुत कम हो गया और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। तो ये है उल्हासनगर का कारीगर और धनी का अंदर जो सिस्टम है।
जितना हो सके मैं आपको कोशिश किया समझाने का, आई होप आप समझ गया होगा। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखे, तो मैं कोशिश करूंगा उसका ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए या आपको कमेंट में जवाब। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, जींस पैंट के बारे में या जींस पैंट का जो कारीगर सिस्टम कैसा कौन सा सिस्टम से काम होता है सब कुछ आप समझ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जींस पैंट के बारे में ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना और अपने बहुत।